ट्रॉपिक्स से बाहर स्पेशली पोल्स के पास ये अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में झील और तालाब फ्रीज हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ ज़्यादातर नहीं देखा जाता क्योंकि हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं, पर इतने ठंडे मौसम में जब पानी जम जाता है तो सोचने वाली बात यह है कि मछली कैसे उस पानी में ज़िंदा रहती है। तो जवाब ये है कि पानी की एक अनोखी प्रॉपर्टी की वजह से, जहाँ सिर्फ ऊपर की लेयर बर्फ़ बन जाती है पर नीचे हमेशा पानी ही रहता है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए। अब ये प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक छोटे से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम। इसे समझने के लिए इमेजिन करिए दो सूटकेस को। एक सूटकेस मेरा है जिसमें 5 टी शर्ट और 5 जीन्स हैं, और दूसरे में 10 टी शर्ट्स और 10 जीन्स हैं जो मेरे भाई के हैं ऑब्वियसली। तो किस सूटकेस की डेंसिटी ज़्यादा होगी? दूसरे सूटकेस में, क्योंकि उसमें खाली जगह कम है। और पहले सूटकेस के केस में अगर हम अब साइज आधा कर दें तो अब दोनों की डेंसिटी सेम है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ वेट नहीं, वेट और वॉल्यूम का खेल है। मैंने फ्रिज में जूस के 1 लीटर का बॉटल रखा है। दूसरे दिन फ्रिज खोल के चेक किया तो मेरे भाई ने आधा बॉटल फिनिश कर दिया था। तो कल से आज तक में मेरे बॉटल की डेंसिटी हाफ हो गई। अब मान लीजिए 1 किलो कपास और 1 किलो आयरन में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? नोटिस करिए, दोनों का वेट सेम है पर कपास ज़्यादा वॉल्यूम लेता है, इसके लिए आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे ब्रेन में और मेरे भाई के ब्रेन में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? क्योंकि उसका भेजा तो पूरा खाली है ना। अब चलो पानी का मैजिक देखते हैं। हम जब भी किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब डेंसिटी घट जाती है, और लोअर डेंसिटी के लिक्विड तैरते हैं हाई डेंसिटी लिक्विड्स में। अब अगर एक लिक्विड को हीट करें और फिर उसे एक रूम टेम्परेचर वाले सेम टाइप ऑफ लिक्विड से मिक्स करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे? आप देखेंगे कि ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। ऑल्दो टाइप ऑफ लिक्विड सेम है, ज़्यादा टेम्परेचर वाला लिक्विड कम डेंसिटी की वजह से फ्लोट करने लगता है। यही हम तेल और पानी में देख सकते हैं। तेल की डेंसिटी कम है पानी से, तो जब ऑयल स्पिल होता है वाटर में तो लो डेंसिटी की वजह से वो ऑयल ऊपर सरफेस पे ही दिखता है। सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो अब इसके हिसाब से 0 डिग्री पे पानी आइस होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो आइस पानी होने लगता है। तो उस हिसाब से तो लो डेंसिटी पानी ऊपर यानी सरफेस पे होना चाहिए और हाई डेंसिटी आइस नीचे, राइट? वेल, नॉट क्वाइट। पानी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि उसकी डेंसिटी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एक्चुअली बढ़ती है, और 4 डिग्री के बाद वो फिर से घटने लगती है। इस ग्राफ को देखिए, 0 से आगे जब पानी मेल्ट हो रहा है तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, और मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री पे। तो जब बाहर का टेम्परेचर गिरने लगता है, पहले 0 होता है और फिर उससे भी कम होने लगता है, तब जो पानी एयर के कॉन्टैक्ट में है यानी कि सरफेस पे है, वो 0 डिग्री हिट करने से फ्रीज होने लगता है। लेकिन सरफेस के नीचे के लेयर अभी भी 0 डिग्री नहीं पहुँचे हैं, वो यूजुअली 1 डिग्री या अबव ही होते हैं। और ये तो हम समझ ही गए हैं वाटर के टेम्परेचर ग्राफ से कि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो आइस ऊपर ही रह जाता है सरफेस पे और लेक के बॉटम तक सिंक नहीं करता, और फिर ऊपर का आइस एक सॉलिड इंसुलेटर की तरह एक्ट करने लगता है पहाड़ के एटमॉस्फेयर और नीचे के पानी के बीच, जिसकी वजह से लेक के अंदर मछलियां आराम से तैर सकती हैं। अब अगर इस लेक में वाटर की जगह कोई और लिक्विड होता तो इस कंडीशन में पहले ऊपर की लेयर फ्रीज होती, फिर हाई डेंसिटी की वजह से वो सिंक कर जाती, अब जो लेयर ऊपर एक्सपोज्ड है वो फ्रीज होता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और थोड़े ही देर में पूरा लेक फ्रीज हो जाता और हमारी प्यारी मछलियाँ मर जाती। एक और फन फैक्ट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, जिसके नीचे वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, और 100 डिग्री है उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बाद वो गैस बन जाता है यानी कि वाटर वेपर। पर ये जो वाटर की प्रॉपर्टी है 100 डिग्री वाली, ये है विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल। अगर आप एक हिल टॉप पे हैं
तो अब उसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होगा। इसलिए पहाड़ों में खाना बनाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पानी 100 डिग्री से कम टेम्परेचर में ही बॉयल हो जाता है। और आपके बर्तन में पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो सी लेवल के कंपैरिजन से कम होता है। वेल, ये नहीं था फन फैक्ट। फन फैक्ट ये है कि अगर आप इस वाटर को लेकर एक एयर बलून में बैठेंगे और ऊपर की तरफ उड़ेंगे, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ही बॉयल हो जाएगा। अब अगर आप किसी एपरेटर से इस पानी का प्रेशर सही से मेंटेन करेंगे तो उस पॉइंट पे वाटर 3 स्टेट्स में कोएग्जिस्ट करता पाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ये टेम्परेचर और प्रेशर हैं ये। और ये ट्रिपल पॉइंट सभी सब्सटेंस के लिए एग्जिस्ट करते हैं, पर हर सब्सटेंस के लिए अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर होता है। इसीलिए ये एक और रीज़न है व्हाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। तभी तो हर प्लैनेट पे जाके वाटर ढूंढना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वाटर है तो पक्का लाइफ हो सकती है वहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर कल बेहतर।